नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश कुमार सिंह। दोस्तों आप देख रहे हो राज न्यूज। दोस्तों आज हमारी टीम पहुंची है जो उपचुनाव जहां पे चल रहे हैं बात करें तो राजस्थान के सरदार शहर में, और सरदार शहर के आज का दिन बहुत ही स्पेशल रहा है कि यहां पे जो आरएलपी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं हनुमान जी बेनीवाल द्वारा आज 8 गाँवों में हेलीकॉप्टर के द्वारा जो सभाएं की गई चर्चा का विषय रही, और यह जो रैली रही उनकी, इससे क्या उनके वोट बैंक बढ़ेंगे, क्या होगा, लेकिन यहाँ का क्या माहौल है, सभी बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें और सुने उन्होंने क्या कहा। और सब जगह 5,000, 7,000, 10,000, 4,000, 3,000 इससे कम कई गैदरिंग नहीं, और तमाम सर्व समाज का गांव से तो भारी बढ़त बनाकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आएगी। कहीं शहर में मुझे पंचर मत कर देना, मैं पहले बता दूं आपको कि शहर के अंदर हमारी इतनी संख्या नहीं है। 5,000-7,000 वोटों तक तो हम कर लेंगे, उसके बाद का वोट तो आपको ही करना पड़ेगा। आप अगर थोड़ा ठीक कर दोगे तो कांग्रेस को ही धो देंगे, बुरी तरीके धरा देंगे कांग्रेस पार्टी को। पार्टी देखो वोटों का कोई पता नहीं लगता, ऐसा कोई करिश्मा हो जाए, कोई कह रहा है बीजेपी वाला तो कांग्रेस वाला आरोप लगाता है हमेशा कि जो वोटिंग मशीन है उसमें गड़बड़ कर देते हैं, कहते हैं कांग्रेस वाले, ये खुद आते जब कहते हैं। बाकी मैंने फर्स्ट सिस्टम के खिलाफ 45 दिन जेलों के अंदर अनशन किया है, जयपुर में भी किया था, गंगानगर में भी किया था। मैंने बड़ा बारीकी से देखा था ऐसे मासूम लोग, ऐसे निर्दोष जेलों के अंदर बैठे हैं जिन्होंने यही पता नहीं कि हमारा अपराध क्या है, और अपराध करने वालों के पास हम न्याय मांगने के लिए जाते हैं। विकास की जो गंगा भाई है उसको ध्यान में रखकर आपको वोट देना है। जो हम रोज लड़ते हैं, रोज जो हम एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, उन बातों को ध्यान मत देना, पढ़ना मत। और विकास की बातें आपको वही सुननी है जो हम अखबार में देते हैं, देख मत लेना, कुछ जमीन पर उनको विश्वास नहीं करवाए। तो इस सरकार ने जब जयपुर के अंदर में 6 महीने भ्रष्टाचार के खिलाफ बैठा तो मुझे उस टाइम के डीजी साहब ने कहा, यार अकेला चना पहाड़ नहीं तोड़ फोड़ सकता। मैंने कहा साहब बात तो आपकी भी जायज है, लेकिन मैं भी जाट का बेटा हूं, अगर जोर से मारू तो आंख फोड़ सकता हूं, मैं तो आंख फोड़ के भी संतुष्ट हूं। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ये क्रांतिकारियों की फौज है, फौज नहीं है ये क्रांतिकारियों की फौज, और बदलाव इस बार निश्चित रूप से 2023 के अंदर होगा। एक नारा लगाना बहुत वक्त है, बातों को कोई अंत ही को नहीं। और जाऊं तो जाऊं तो एक छोटी सी बात, कुत्तों की एक रेस हुआ है, कुत्तों की रेस हुआ भी मैं बड़ा घोड़ा वर्गा कुत्ता मोटा मोटा, पर रेस जीते बिल्कुल मरियल सो कुत्तो, समय मरियल सो वो बार रेस जीते, बटे कई पत्रकार गए यार घोड़ा वर्गा कुत्ता है ऐ तो हार गया, और वो छोटो सो देखो मरियल सो कुत्तो है वो बेटो रेस के जीत गए। बिन कह भाई तू बता दे तू जीत के आगे वो अगर बता दो तू छापियो ना छापो ना तो मैं तेरे बता दू। मैं क्या कौन छापा तू मेरे बता दे यार। वो कह भाई मैं दरअसल मैं युगांडा को रहना रहूं और मैं भट्टे को शेर हो और 10 साल काल पड़े मेरी शकल कुत्तिया पर की होगी, तो हम कमजोर नहीं थे, इन निकम्मी सरकारों ने हमें कमजोर करके, हम तो पहले भी शेर थे, आज भी शेर है और आगे भी शेर रहेंगे। भारत माता का नारा लगाना है, थाने में सुनाई हुए ना हमारी कोई मोटोड़ा अधिकारी सुने, मैं कहो लालचंद मूंड जी की अर्जी जिता दो, हनुमान जी की सरकार बना दो, फिर तो कोई नहीं सुनोगे बिना कुर्सियां पर मैं बैठने को ना की कीमत में भी, और अगर बैठ जाओ तो मारो मुंह पर थूक दो भारत कर दी। और आज सबको दो दो बोतल दारू पी के सोना पड़ेगा, अब नहीं तो नींद नहीं आएगी, ऐसा माहौल आप लोगों ने तैयार कर दिया। लेकिन आपको अभी भी जागरूक और मजबूत रहने की आवश्यकता है। साथियों आपने सरदार शहर की धरती पर या सरदार शहर के जो किसान जवान बैठे हैं, आप लोग अपनी आत्मा से छाती पर हाथ रख के बताना कि आजादी के 75 साल में आपने बहुत चुनाव देखे, लेकिन जो इस बार का चुनाव है ऐसा चुनाव आपने पहले कभी देखा था क्या? क्योंकि इस चुनाव के अंदर संघर्ष की गाथा बयां हो रही है, हनुमान बेनीवाल के 30 साल का त्याग और तप,
आप लोगों को देखने को मिल रहा है, गांव गांव डाणी डाणी हनुमान बेनीवाल जी ने जिस कदर पहुंचकर किसान के बेटों को जगाने का काम किया है, साधारण से परिवार के नौजवानों को भगत सिंह की भूमिका में खड़ा करने का काम किया है, किसानों को एक नई ऊंचा देने का काम किया है। ये काम हर कोई नहीं कर सकता, ये काम है किसान का बेटा जिसने त्याग और तपस्या की है वही कर सकता है। साथियों